नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। परम पूज्य आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं बासले सरोवर राज संत मुनि श्री बिहारसागर महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में श्री दिगंबर जैन 20 पंथी बड़ा मंदिर प्रबंधन कमेटी दानावली के तत्वाधान में 16 से 17 नवंबर तक 2 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव शुभारम्भ मंगलवार को भगवान जिनेन्द्र की रथ यात्रा व मंगल कलश शोभा यात्रा के साथ आरम्भ हुआ। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन आदर्श कलम ने बताया कि दानावली स्थित दिगंबर जैन 20 पंथी बड़ा मंदिर से रथ यात्रा व मंगल कलश शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ मुनि श्री व्यासागर महाराज, मुनि श्री विजय सागर महाराज, मुनि श्री विनोद सागर महाराज व एलक श्री विनियोग सागर महाराज के सानिध्य में निकाली गई। रथ में भगवान जैनेन्द्र 9 प्रतिमाओं को विराजमान कर मंगल कलश यात्रा दानावली से शुरू हुई और नई सड़क गस्का ताजिया फालका बाजार कॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल होती हुई कार्यक्रम स्थल गेंडेवली सड़क स्थित दिगंबर जैन नसिया जी पहुंची। शोभा यात्रा में महिलाएं केसरिया साड़ी में सिर पर मंगल कलश लेकर चल रही थीं। महिलाएं और बालिका भक्ति नृत्य कर रही थीं। मुनि श्री ने मंत्रों के साथ जैन ध्वजारोहण प्रवेश बिलाल व राजन जैन ने किया। वहीं मुनि श्री सत्संग व प्रतिष्ठाचार्य पंडित अरविंद जैन को आचार्य निमंत्रण, चंपाबाग जैन मंदिर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बीरेन गंगवाल, मंत्री अजित कासलीवाल, महावीर जैन प्रवेश बिलाला, बसंत गोदा, विकास गंगवाल, विनय कासलीवाल, नरेंद्र बिलाल, कमलेश बिलाल, गौतम गोदा आदि मौजूद रहे। जैन समाज के वक्ता सचिन जैन ने बताया कि 17 नवंबर को प्रातः 8:30 बजे से मुनि श्री के सानिध्य में मनमीन वेदी पर कमल के फूलों पर निर्मित सिंहासन पर नव तीर्थंकर प्रतिमाओं को विधि विधान से विराजमान किया जाएगा। विराजमान के उपरांत श्री जी के अभिषेक एवं मंगल आरती और मुनि श्री के मंगल प्रवचन होंगे। Thank you.